दिखाई नहीं देते, क्योंकि निराश हो गए, मायूस हो गए वो कि इस दौड़ और रियाज का कोई मतलब नहीं है, ये सरकार कोई सर्विस देने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी क्या समाजवादी पार्टी भी इस पर मुखर है? और देखिए अभी हम लोग उस तरफ नहीं जा सके, नहीं जा सके, हम सब मरमाहत हैं। हमारे परिवार का एक हीरा निकल गया है और मीडिया के भाई सरकार की मंशा के अनुसार जितनी गंदी संज्ञा दे के मुख्तार अंसारी को पुकार ले, जितनी बुराइयां उसके नाम से लिख दें, लेकिन गरीबों के दिलों पे उसका राज था। मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, चोटी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, और बनारस की धरती पर मुख्तार अंसारी और मुरली मनोहर जोशी का लड़ाई हुई थी बहुत मामूली से वोटों से। दो विधानसभा में, रोहनिया विधानसभा और सेवापुरी विधानसभा, दोनों जगह मुख्तार जीते थे और मुरली मनोहर हारे थे। शहर जब आया तो शहर में कैंट मुरली मनोहर जोशी को जीतना था, जीते, लेकिन उत्तरी दक्षिणी उस समय एक समद साहब एमएलए होते थे सपा के, और वो सारी ताकत लगा दिए लोग, नहीं तो एक सीट उत्तरी हम लोगों को और लीड होनी थी, वो हमारी लीड नहीं हो सकी। और एक बजे के बाद जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे राजेश मिश्रा या और भी जो कोई उम्मीदवार थे, ये लोग खुद ही कहने लगे फूल कोट दे दो, फूल कोट दे दो, नहीं जीत जाएगा मुख्तार। अब अगर लोकप्रिय नहीं था तो क्या उसका दबदबा था? जब वो जेल में है, वो जेल में लड़के लड़ा था, कोर्ट ने, हम लोगों के वकील ने दरखास्त दी तो कोर्ट ने कहा था कि आपने 10 दिन का पेरोल मांगा है, हम इसको 3 दिन के पेरोल देने पर विचार करेंगे, आप अप्लीकेशन दुरुस्त करिए। 3 दिन के पेरोल की अप्लीकेशन दी गई, तब उन्होंने कहा 2 दिन का, बहस सुन के जजमेंट रिजर्व किया। 2 दिन का पेरोल मिल गया होता तो मुरली मनोहर जोशी सब होने के बाद भी हार जाते। हम लोगों ने रोड शो का मैप तैयार कर लिया था किस तरह से उसको सिर्फ एक रोड शो करा देंगे 2 दिन में 5ों विधानसभा में। घोसी लोकसभा क्षेत्र अपने जमाने के कद्दावर नेता रहे हैं कल्पनाथ राय, काबीना मंत्री रहा करते थे, श्रीमती इंदिरा जी के बहुत खासुल खास मंत्रियों में से थे, और काबीना मंत्री कल्पनाथ राय के खिलाफ 1995 में मुख्तार इसी घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ गया और 3 विधानसभा में उनको हरा दिया। उस समय सगड़ी भी इसी में था और हारे कहाँ, मऊ सदर से हार गए, मऊ सदर विधानसभा में और गोहना मोहम्मदाबाद में वो हार गए, और 3 जगह जीत करके भी उनके मुकाबले 12,000 वोट से हार गए, जेल में थे। और कल्पनाथ राय बहुत बड़ी हस्ती थी उस धरती के लिए, तो इस तरह की स्थिति। अब हम उसको कितना भी कीचड़ फेंकें, अगर हमारे कीचड़ फेंकने का उन मत देने वालों पे असर होता तो एक आदमी जेल में है और 4 बार विधानसभा का चुनाव जीत रहा है, पर्चा भरने भी नहीं आता, उसका एजेंट जाके जेलर से दस्तखत करा के पर्चा भरता है और जनता उसको वोट दे के जिताती है। मत स्वीकार करे कोई संज्ञा आप दे सकते हो, हम मानते हैं कि मुख्तार अंसारी को कोई शंकराचार्य नहीं मानेगा, लेकिन जितनी बदनामियां हैं उसकी कभी समीक्षा आपने नहीं की, अब तो वो दुनिया में नहीं है। हम आपको कहते हैं और साधारण ढंग से कहेंगे तो आप उसे गंभीरता नहीं लेंगे, में नहीं लेंगे, इसलिए चुनौती देके कहते हैं मीडिया को कि अब तो मुख्तार मर गए, कहानी बंद। लेकिन आज की डेट में जो आप रोज लिखते थे कि 60-65 मुकदमे उसके खिलाफ हैं, आप सिर्फ इतना मांग लो कि जो जितना भी 60-65-70 जितना मुकदमा बता रहे हो, इनमें कई मुकदमा ऐसा है जो मुख्तार के जेल में जाने से पहले का उसके ऊपर है, मांग लीजिए। आज की डेट में 99% वही मुकदमे हैं जो मुख्तार जेल में है
और जेल में रहने के दौरान उसके ऊपर बाहर से लिखे गए हैं कि मुख्तार ने साजिश करके ये कर दिया, ये करा दिया, ये कर दिया, ये करा दिया, ये। तो भाई आपकी कागज है, आपकी सरकार है, आपकी कलम है, जो चाहे लिखवा दो। जेल में एक आदमी है, 18.5 साल हो गया लगातार, 25 अक्टूबर सन 2005 को जेल में गए, अब 6 महीना बाकी है 25 अक्टूबर को, 18.5 साल, और इसके पहले 2 बार में और मिला के वो 3.5 साल और जेल में रहे। एक बार दिल्ली में टांडा का मुकदमा उनके ऊपर कायम हुआ, पंचकुला से उन्हें पकड़ा गया था और दिल्ली में टांडा में ला के बंद कर दिया गया था, 2.5 साल बंद रहे। जब टांडा ख़त्म हुआ तब भी निकल पाए एक बार और। तो वो कुल मिला के अपने जीवन का 24 साल तो जेल में ही बिता दिए, 24 साल जेल में बिता दिए। अगर आप लोग सुबह से आए रहे होंगे तो आपको आभास हुआ होगा कि ये किसी रैली के लिए जुटाई गई भीड़ नहीं थी कि गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर और बस और खाने का पैकेट और किसी को सुविधा और किसी के ठेकेदार के माध्यम से बुलाया गया। सब अपने भागे चले आए हैं, धक्का खाए हैं, कल से ही देख रहे, धक्का खा रहे हैं, लाठियाँ हैं, दिल्ली से आए हैं, कहाँ कहाँ से, न पिया है, न कहीं नहाया है, न धोया है, न शौच हो चुके हैं, कोई लाश आ रही। खबर तो उसी दिन आ गई ना कि मौत हो गई। जो ओवरऑल सिचुएशन बनाता है, जैसे बस पार्टिसिपेट नहीं कर पाए इसमें, अब्बास के लिए, अब्बास के लिए जेल में है, नियम है कि पेरोल मिलना चाहिए, तो पेरोल शासन दे सकता है, अब्बास को नहीं मिलेगी। डीएम दे सकता है, अब्बास को नहीं मिलेगी। न्यायालय का सहारा था, न्यायालय में डाली गई दरखास्त, हाई कोर्ट के जज साहब बैठे ही नहीं। दूसरे जज की यहाँ फाइल गई तो उसने कहा कि हम सिर्फ अपने न्यायालय की फाइलों को सुनवाई करेंगे, दूसरे जज की के यहाँ से ट्रांसफ़र जो आई हैं फाइलें उनको नहीं देखे, देखा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के यहाँ एक डाली गई अर्जेंट में कि बेंच पे न, बेंच में सुनवाई को न डाल करके अर्जेंट मैटर मान के इसको रात में ही सुनवाई करा ली जाए, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो उस नियम के अंतर्गत ये विषय नहीं आता, ये रिट लाइए और बेंच सुनेगा। तो मिट्टी तो आज हो गई, अब बेंच सुन करके भी क्या करेगा। अच्छा, ये जो परिस्थितियाँ बनी कि पत्नी भी नहीं आखिरी बार देख पाई, नहीं देख पाई मुख्तार की बहू, वो आई है अब्बास की पत्नी। अफशां के विरुद्ध पहले ही से वारंट है और वो इनाम भी घोषित कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति बनाई जा सकती है, ये भगवान न करे कि कभी किसी दुश्मन के ऊपर भी आए कि उसका सुहाग उजड़ जाए, वो अपने सुहाग का दर्शन भी न कर सके, किसी के ऊपर न आए। लेकिन हुआ ऐसा, क्योंकि अब वो जहाँ कहीं भी होगी हमारे धार्मिक रीति के हिसाब से अब 4 महीने की तो इद्दत बराएगी, उसके बाद हो सकता है कोर्ट के सामने आए। वो अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाई है। देखिए, तमाम तरह कानून में विंडो होती हैं, किन्हीं विंडो से अगर उन्हें राहत मिल जाए तो ठीक है, यानी आज की स्थिति में, सिचुएशन में तो यही है कि न्यायालय ने उनको बुलाया है, वारंट दिया है और इनाम घोषित कर दिया है। एक तो आपका लीगल बैटल का ऑप्शन है, दूसरा जो है आप चुनाव में भी जा रहे हैं। चुनाव में तो हमने आपको बताया कि मेरा परिवार आज हमारे से राजनीति में नहीं जन्म हुआ है, हम अपने पुरखों की उस विरासत को प्रयास करते हैं संभालने का।
हमारे पुरखे थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, ये तस्वीर लगी है उनकी। जब देश गुलाम था तो 1926-27 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। जब इस देश में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना करके और देश में एक अलगाववादी सोच को बढ़ावा देने का काम किया था, तब हमारे पूर्वज उन दिनों देश की एकजहती के लिए, भाईचारा बना रहे इसके लिए इतना सक्रिय रहे कि महात्मा गांधी ने प्रस्तावित करके डॉक्टर अंसारी का नाम प्रेसिडेंट पद के लिए लाया था और मिस्टर केलकर दूसरे कैंडिडेट थे जिनसे चुनाव हुआ था और 42वें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंसारी चुने गए थे। इनके चुने जाने के बाद वो मिशन जो मोहम्मद अली जिन्ना चला रहे थे उसे उन्होंने खुद अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब डॉक्टर अंसारी प्रेसिडेंट थे तो मेरे मिशन को बहुत बड़ा धक्का लगा था। तो पूर्वजों की जो कुर्बानी थी वो देश को आज़ाद कराने के लिए थी। हम फख्र से कह सकते हैं कि हमसे पहले भी हमारे परिवार में डॉक्टर शौकतुल्ला अंसारी राज्यसभा के भी MP रहे, लोकसभा के भी MP रहे। फरीदुल हक अंसारी जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे वो 2 बार राज्यसभा के MP रहे। हमारे पूर्वजों में हम तो बिल्कुल इस दौर की कड़ी हैं, पहले इससे बहुत शानदार इतिहास है। डॉक्टर अहमद साहब थे जो केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद को सुशोभित किए। आसिफ अंसारी साहब थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे। ब्रिगेडियर उस्मान साहब थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में कश्मीर की सीमा पर मोहम्मद अली के जिन्ना के प्रस्ताव को ठोकर मार दी और भारतीय सेना के नायक की हैसियत से नौशेरा घाटी और झांगर घाटी को फिर से भारतीय सेना को जीतने में सफलता दिलाई और कुर्बान हो गए। उन्हें मरने के बाद महावीर चक्र मिला। एक शानदार इतिहास है और आपका भी खुद का भी एक जीत का ट्रेंड रहा है। हम और तो उसके बाद एक हालात ये बने कि आपको लूज करना पड़ा अपना मेंबरशिप जो है पार्लियामेंट का। तो अब जो हालात बने हैं उन हालात में जब आप लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं उससे पहले आपके साथ काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, आपकी सदस्यता गई, आपके आयोग बना दिए गए। हाँ, और उसके बाद अभी ये घटना हो गई, उसी का परिणाम ये था कि मेरी सदस्यता जिस षड्यंत्र के तहत जिस केस में मुझे सजा कराई गई उसका आधार केस जो था वो केस छूट चुका है, लेकिन फिर भी मेरी सजा हुई तो उस सजा के आदेश की आलोचना करने का तो कोई मतलब नहीं है, उसकी अपील करने का रास्ता है कानून में। हम अपील में गए, अपील में मुझे जमानत भी मिली और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गाजीपुर की कोर्ट से मेरे विरुद्ध सजा कह दिए गए उस 4 साल के आदेश को मेरी अपील के निस्तारण तक के लिए सस्पेंड कर दिया। तो मैं अपने पद पर पदस्थापित भी हो गया, लोकसभा से अधिसूचना जारी करके मुझे फिर से सांसद का पद, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग की अयोग्यता भी समाप्त हो गई, मैं योग्य हो गया। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर में कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं कर पा रही, क्योंकि वो तो सोच लिए थे कि ये तो अब लड़ना नहीं है इनको, तो जब इनको लड़ना नहीं है तो चलो कैसे भी कर लेंगे। लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, हमारे बाजू की सीट है, नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, सारे बड़े दिग्गज उनके यहाँ हैं और घबराहट है, परेशानी है, सारे षड्यंत्र उसी के लिए थे कि मुझे लड़ने योग्य न रखने दिया जाए। मैं लड़ने योग्य भी हो गया और गाजीपुर की जनता इतने मूड में है कि इस बार सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा, कैंडिडेट चाहे जिसको लाए, क्योंकि जुल्म अत्याचार तो सरकार अपने तंत्र का दुरुपयोग करके कर सकती है, लेकिन ये जो जनता है, ये जो गरीब लोग हैं, ये हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं। और देख लीजिएगा गाजीपुर का अंदरूनी रहस्य यही सामने आएगा कि ये अंदर की बात है, गरीब हमारे साथ है।
और चुनाव का परिणाम गाजीपुर का मोदी जी को शर्मिंदा करेगा। लड़ रहे हैं बगल में वो भी, हम भी लड़ रहे हैं, देखिएगा। लाएं कैंडिडेट, पहले लाएं। उनका दावा तो 400 के पार जा रहा है। हाँ भैया, वो लोग 400 के पार है, यहाँ 80 में 80, लेकिन पूर्वांचल में औकात नापने भर हैं हम। हाँ, 370 बीजेपी का और 34 को हम पार। भैया एकदम चकाचक है, उनकी सारी गिनती सही है, लेकिन आप एक को बार मत पूछिएगा कि जब आप 370 पा रहे हैं और के बाद 40-30 पा रहे हैं, तो क्या जरूरत है जो आपको कह रहा था कि कटोरा लेके भीख नहीं मंगवा दूंगा तो असल बाप का बेटा नहीं, कहने वाला था कोई? कहाँ है, क्यों उसके चरणों में गिरे? क्या जरूरत है संजय निषाद को? क्या जरूरत है जिसको आप कहते थे कि ये परिवारवादी पार्टी है, चौधरी चरण सिंह के से शुरू हुई, उनके बेटे अजीत सिंह पे आई, उनके बेटे जयंत चौधरी पे है, आज जयंत चौधरी के चरणों में बैठने की क्या जरूरत है? अगर 400 के पार है तो नीतीश कुमार के लिए तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाज़ा खुल कैसे गया? अगर 400 के पार का सवाल है तो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, ये क्या हो रहा है? एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ मोदी जी के हनुमान पासवान साहब, तो ये सब एक बात है कहने की। ज़ी न्यूज़।